अब ये जो आईसी है इसका प्रोवर्ड नेम है ये, और इसकी सीआईडी है ये, ठीक है। अब इस आईसी का बूट, ये तो अब मैंने आपको बता दिया था, बट लेकिन जो लोग रह गए, चलिए मैं दोबारा बता देता हूँ। ये बूट इसका ये है, बूट साइज हमें जब ईएमएमसी चेंज करते हैं तो बूट साइज हमें बहुत मैटर करता है, बूट साइज हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। बूट साइज चेंज करेंगे तभी हम ईएमएमसी को चेंज कर पाएंगे, और बूट साइज चेंज करने के बाद ही फ़ोन जो है बूट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ईएमएमसी है, अब आपको ये चीज़ भी देखनी है कि इसकी जो ईएमएमसी है वो, चलिए इसकी सैमसंग की ईएमएमसी को मैं पहले, अब सेम टू सेम हमें इसकी कंपटीबल आईसी बनानी है, ठीक है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो देखिए मैंने आपको बताया कि सैमसंग की सीआईडी आपके पास एक होनी जरूरी है, ठीक है। उसको सीआईडी में, उसकी सीआईडी चेंज करके आप उसको पहले सैमसंग की बनाइए, ठीक है। सैमसंग की बनाने के बाद तब आपको ये बूट साइज चेंज करने को मिलेगा। यहाँ पे पहले 4 MB था, शायद अभी जब हमारी डिस्कनेक्ट हुई थी क्लास तो ये 4 MB था, हमने इसको चेंज करके 2 MB किया, ठीक है। 2 MB करने, 2 MB हमने इसको कर दिया। 2 MB के बाद अब अभी हमारी ये आईसी है वो सैमसंग की है, और हमें जो है आईसी बनानी है, हमें जो है इसकी आईसी बनानी है इस प्रोवर्ट नेम की, ठीक है। तो अब इसकी सीआईडी को मैं यहाँ से उठाता हूँ, आपको सेम टू सेम यही आईसी बना के दिखाऊंगा इसकी, ठीक है। सीआईडी को हमने यहाँ से उठाया, यहाँ से कॉपी किया, और यहाँ पे गए और इसमें राइट सीआईडी पे टिक किया, और यहाँ पे इसको पेस्ट किया, ठीक है। अब इसको ओके करते हैं। ये हो गया डन। अब इसको आइडेंटिफाई करके देखते हैं कि सेम टू सेम हमारी जो है कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम हुई है नहीं हुई। तो यहाँ पे देखिए ये सारा कुछ चेंज, ये चेंज, ये चेंज, क्या आप ये ईएमएमसी इस फोन में चल जाएगी, अभी आप मुझे देख के बताएंगे। इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है बिल्कुल ओके है, सेम टू सेम है। और अब इसका सीआईडी भी चेंज है, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आरपीएम भी क्लीन है, इसका मतलब ये आईसी जो है अब इस वाले फोन में जो है हम इजली यूज कर सकते हैं। यहाँ पे किंगस्टन भी लिखा हुआ आ गया है, और इसका जो पोर्ट नेम है वो भी चेंज हो चुका है इस कंडीशन में, ठीक है। तो ये ईएमएमसी हमने चेंज की, इस वजह से जो है ये वार्निंग आ रही है, अगर ईएमएमसी हम इसका रिस्टोर कर देंगे जो जेन्युइन सीआईडी है, जो सी सी आई डी मेन सी आई डी बना सकते हैं, या तो उसको हम जो है क्लोन सी आई डी, जो कि नकली सी आई डी होती है, क्लोन सी आई डी जिसको कहते हैं, तो उस सी आई डी में हम एक बार यहाँ पे राइट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको राइट सी आई डी करता हूँ, और इसमें जो है अब ठीक है, अब ये हमारी कौन सी आईसी बन गई है देखते हैं। ये आईसी किंगस्टन की है, अभी हम इसको और एक बार रिस्टोर करेंगे, ठीक है। अब इसका 2 MB है, अब हमें किसी और ऐसा फोन है जिसमें हमें 4 MB या 6 MB ऐसा कुछ है, ठीक है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम है बाकी, और बाकी इसकी जो है रैम और रोम सेम है, तो हम इस केस में इसकी जो है मान लीजिए 4 MB है या 6 MB है, तो इसको 4 MB या 6 MB करने के लिए हमें हमारे पास या तो सैमसंग की यूनिवर्सल आईसी होनी चाहिए, या फिर हमारे, क्योंकि ये जो ऑप्शन है, ये जो बूट साइज को चेंज करने वाला, ये देखिए ये किंगस्टन में भी चेंज नहीं कर सकते हम, और देखता हूँ मेरे पास और कोई सीआईडी पड़ी हो तो यहाँ पे देखते हैं कोई और किसी और ब्रांड की पड़ी हो तो, ये पर पता नहीं कौन सा ब्रांड है, देखते हैं कौन सा ब्रांड है। ये फिर से सैमसंग की मिक्रोन की है, ठीक है। अब यहाँ पे भी देख पाए होंगे ये बूट साइज जो है यहाँ पे भी डिसेबल है, यानी कि ये जो है हम या तो इसकी सीआईडी को सैमसंग की करें, इस आईसी को सैमसंग की बनाएं, तब जाके हम इसका साइज चेंज कर सकते हैं, तब हम इसको जो दूसरे फोन में कर सकते हैं। साइज चेंज करने के बाद चाहे फिर हम किसी भी सीआईडी में इसको डालें, या फिर कोई भी हमें किंगस्टन बनानी है या कुछ भी बनानी है, फिर हम इजली बना सकते हैं, हमारा बूट साइज जो है चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो
हमारा बूट साइज चेंज नहीं होगा चाहे हम सीआईडीज की बदल लें। तो ये तो कॉन्सेप्ट शायद आपको क्लियर हो गया होगा ना सभी लोगों का, कि किस तरीके से हम आईसी को जो है बना सकते हैं, ठीक है, उस फोन के लायक। अगर इस केस में अगर सीआईडी किसी ईएमएमसी में चेंज नहीं हो रही है, तो आप सेम फोन की निकालेंगे, उसका अगर क्लीन हो नॉट क्लीन हो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई और दूसरी आईसी लाएंगे तो ये ऑथेंटिकेशन की नोट या प्रोग्राम्ड ही होना चाहिए, ठीक है, वो प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। ये नॉट प्रोग्राम्ड है तो नॉट प्रोग्राम्ड ही आईसी हम उसमें जो है यूज कर पाएंगे। सर कुछ पूछ सकते हैं कि बीच में? नहीं, पूछ सकते हो ना, पूछो ना। मैं ये पूछ रहा हूँ सर, जैसे आपने अभी जो आईडी ये दूसरी ईएमसी दी उसको सैमसंग की बनाई है ना, तो पहले हमें किसी दूसरी सैमसंग की सीआईडी मतलब उस आईसी में डालनी पड़ेगी, उसके बाद दूसरी आईसी दूसरी सीआईडी डालनी पड़ेगी तब बनेगी क्या? आप देखिए, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही समझे हैं। अब मान लीजिए मेरे पास कोई आईसी है, और चलिए मैं इसकी सीआईडी निकाल लेता हूँ पहले। हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ सारा मसला। इसकी जो है सीआईडी है, चलिए इसको पूरे को उठाते हैं। और इस चीज का मैं बार बार कहता हूँ, इस चीज का ध्यान रखना, कोई भी ईएमएमसी आपके पास आए, या फिर आप उसकी अनलॉकिंग कर रहे हो, या फिर आप उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, आईसी का ये वाला लॉक को जो उठा लीजिए करिए, ठीक है। या तो कॉपी पेस्ट करना चाहो कॉपी पेस्ट, अगर पूरे में आ रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट ले जाओ, स्नाइपर से लेना चाहो तो स्नाइपर से ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको कॉपी कर लिया करो। कॉपी करने से ये फायदा रहेगा, क्योंकि अब हम आईसी चेंज करेंगे तो हमारे बूट साइज का इसका पता होगा, इसके पोर्ट नेम का पता होगा, क्योंकि कई बार आईसी अगर डैमेज हो जाती है हमारे काम करते समय, या तो और कुछ भी हमारे साथ कुछ ऐसा हो जाता है, या खो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो हम ईएमएमसी को सेम लगा सकते हैं उसके, ठीक है, क्योंकि ये चीजें हमारे जानकारी में हमारे होनी चाहिए। हाँ, ईएमसी अगर जाए फोन में टूट गई हो तो उसको कैसे रीड करेंगे, फिर उसमें कैसे पता चलेगा? आप तो पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन क्रिएट कर लेते, क्या बात है। क्वेश्चन क्लियर नहीं है सर, मतलब जैसे फोन गिर गया मान लो, ईएमसी अपनी टूट गई, अब उसको रीड तो कर नहीं पाएंगे, फिर उसको किस हिसाब से वो उसको करेंगे? हाँ, उसको कुछ नहीं, देखिए आईसी के ऊपर भी प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ होता है, ठीक है, आईसी के ऊपर जो होती है उसके ऊपर प्रोडक्ट कोड लिखा हुआ था, फिर हमने जो कल सॉफ्टवेयर आपको दिया था उसमें उस कोड को डालेंगे हम, उस कोड को डालने के बाद उसकी पूरी डिटेल निकालेंगे आईसी की, ठीक है, ये आईसी कौन सी है। ठीक ओके ओके सर, ओके ओके। है, चाय का भी शरबत बन गया, चलो ठंडी इतनी। अब ये वाला हमने कॉपी कर लिया, ठीक है, अब ये कॉपी हमने कर लिया है, अब इसको मैं दूसरी कोई आईसी लगाता हूँ इसमें, ठीक है, तब बात बनेगी, तब समझेंगे हम अच्छी तरीके से। यार इसमें कौन कौन है? अब एन है, जीतू भाई है, विकास कुछ कह रहे हैं, ये आईसी में बॉल भी नहीं बना पाऊँ, वैसे लगा दिए मैंने, जो ये केवल गणपत जी के लिए लगाई थी मैंने, मुझे उनका याद आ गया, मैंने कहा ये काम कर लेते हैं, बताने के तो मैंने वैसे ही बताया था, पर लेकिन ये है कि प्रैक्टिकली, क्योंकि आईसी तो मेरे पास पड़ी थी लेकिन वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है, कुछ पता नहीं पड़ता। सर निकाल के मैं भी लाया था सैमसंग की है ना, लेकिन मैंने सोचा अपन कैसे यूज करेंगे सर बताएंगे तो। चलो इसको आइडेंटिफाई करते हैं, इसको ये आइडेंटिफाई करी हमने। अब इसमें देखिए ये अब आएगा, इसमें देखिए एस के हाइनिक्स की ईएमएमसी है, ठीक है, अब इस आईसी में ये जो है बूट साइज नहीं चेंज कर सकते अपन। अब इस आईसी को किस तरीके से हम चेंज करेंगे भाई, इसका बूट साइज को हम कैसे चेंज करें? अब इस वो इसमें सीआईडी भी तो मैचेबल नहीं होगी, ये सीआईडी इसमें चलेगी नहीं, क्योंकि ये न्यू आईसी है, इसमें सीआईडी देखते हैं एक बार कन्वर्ट करके, बूट में फर्स्ट वो आईसी मुझे ढूंढनी पड़ेगी। उधर काम करते हैं, मुझे आईसी दिखानी नहीं पड़ती है। नहीं करेगी इस आईसी में, कम इसके लिए कंफर्टेबल है नहीं ये, सीआईडी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप अब मेरे पास इस समय तो कोई मुझे आईसी मुझे दिख नहीं रही, मेरे पास है कोई ऐसी जिसमें मैं ऐसा कर सकूं, ठीक है, लेकिन आप जो है समझिए कि ये दूसरी अगर कोई आईसी आती है मैं आपको ये वाली सीआईडी दे दूंगा, या फिर आपके पास अगर कोई सैमसंग की सीआईडी पड़ी हो तो आप उस सैमसंग की सीआईडी को अपने पास कॉपी पेस्ट करके रख लीजिए कहीं ठीक जगह, ठीक है, और उससे पहले उसको आईसी को सैमसंग की बनाइए,
और सैमसंग की बनाने के बाद आप फिर उसको जो है इसका बूट, ये कॉन्फ़िगरेशन जो है इसका, ये जो बूट पार्टीशन है उसको जो है चेंज करिए, ठीक है? ठीक। आपको समझ में तो आ नहीं ही गया सर, होगा। मेरा कहने का मतलब ये था, जो आपने नोटपैड में जो खोल रखा है ना, जी वो सैमसंग की आईसी का खोल रखा है क्या? जी अब इस सैमसंग की आईसी का जो ये लिखा हुआ है, उसको हम कोई सी भी आईसी है उसमें पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, हाँ उसके हाँ बाद में जो आईसी बनेगी, उसको यही पहले में पूछ रहा था। देखिए, मैं बताऊँ आपको, मैं वही करना चाह रहा था, बट लेकिन आईसी ये काम की निकली नहीं हमारी। मैं पता क्या करना चाह रहा था, देखिए उस आईसी को हम, जब हम इसमें आईसी में सीआईडी में डालेंगे तो ये आईसी हमारी हो जाएगी सैमसंग की, ठीक है? जी सैमसंग की हो गई, एसके हैनिक या कोई भी, वो सैमसंग की हो गई। सैमसंग की होने के बाद क्या करेंगे, ये जो बूट साइज है ये बिल्कुल हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है? अब आप ये समझ लीजिए, चलिए ये एसके हैनिक्स की है और एस के हैनिक्स की थी, ठीक है? हमने इसको सीआईडी चेंज, ये मान लीजिए हमने इसकी सीआईडी ये चेंज कर दी और अब ये बन गई है सैमसंग की, ठीक है? अगर अब हम जी इसके, अब अभी देखिए इसको आइडेंटिफाई में दोबारा से करता हूँ, ठीक है? अब ये बन गई है सैमसंग की, एस के हैनिक्स की। अभी इसको मैंने कौन सी ऐसी लगा दी इसमें, सीआईडी करते हैं और इसमें जो है हम सैमसंग ये करना है। सैंडिस्क सीआईडी तो लाइट हुई है, तो उसको हम सैमसंग को यहाँ से बना देंगे, मसला नहीं। ये वाली जो हमने सैमसंग की उठाई, तो यहाँ पे इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसको जो है अब यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस सेव दबाएंगे और यहाँ पे राइट सीआईडी करेंगे और इस पे कॉपी, इसको पहले सैमसंग की बनाते हैं। वाली डेली हमने इसको चेंज भी किया था, उसके बाद हम इससे पहले हमने इसकी ली, ठीक है? तो हाँ जी हाँ ये हो गया मसला। चलिए कोई बात नहीं, चीजें तो आपको समझ में आई गई है ना। ना हाँ तो हमें इसको पहले सैमसंग की बनाना है, सैमसंग के बाद, क्योंकि अभी तक इसका बूट साइज जो है यहाँ पे ये जो है हाईलाइट नहीं हुआ है। जब तक तो ये हमारी आईसी सैमसंग की नहीं बनेगी तब तक ये हाईलाइट नहीं होगा, ठीक है? अभी हमारे पास इसमें सैमसंग की कोई भी आईडी सीआईडी नहीं है। आपको याद हो तो इसमें तो कोई सी हमने यूज करी हो, सैमसंग की बनी होगी। कौन सी यूज करी थी?